अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मेहर, वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं तवा कबाब, बहुत ही टेस्टी है और बहुत झटपट से बन जाएगा। चलिए उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, आधा किलो हमें कीमा लगेगा मटन का, बारीक मशीन का है और हमें इसे और बारीक करना है। 3 टेबल स्पून हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लगेगा, 1 टेबल स्पून खसखस लगेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा, 1 अंडा लगेगा और ये देखिए 1 टेबल स्पून जीरा और काली मिर्च और लौंग यानी कि हमें फ्रेश गरम मसाला इसमें पीस के डालना है वो लगेगा, और 2 हरी इलायची है इसमें वो लगेगी, कोथमीर लगेगा और 1 टेबल स्पून हमें तीखी लाल मिर्च लगेगी, 1 टीस्पून हल्दी लगेगी, 2 टेबल स्पून चने का दलिया लगेगा। जैसे कि मैं अपने कबाब में बता चुकी हूँ आपको, जो देखिए चने रहता है भुना हुआ उसका दलिया बोलते हैं वो लगेगा हमें 2 टेबल स्पून, कोयला धुगार के लिए लगेगा, तेल जरूरत के हिसाब से जाएगा। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गरम मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे, खसखस डाल देंगे, चने का दलिया डाल देंगे और इसे ड्राई पहले पीसेंगे और फिर इसमें डाल देंगे और फिर आगे हम बताते हैं इसे पीस। देखिए हमने ड्राई इसको पीस लिया है तीनों चीजों को, इसके कीमे के अंदर डाल देंगे हम। और ये देखिए टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर डाल देंगे, तीखी लाल मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट पूरा डाल देंगे हम इसके अंदर, और देखिए कोथमीर जो है उसको हम थोड़ा सा रोकेंगे, बाकी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए हाथ से तोड़ के इसके अंदर डाल के और अच्छे से हाथ से हम पहले इसे मिक्स करेंगे और फिर मिक्सर में बारीक कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको कबाब में पहले भी बता चुकी हूँ कि मिक्सर में एक बार चलाने से बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और थोड़ा बारीक हो जाता है। इसको मिक्सर में चला के, हाथ से अच्छे से मिला के और मिक्सर में चला के हम आपको बताते हैं। देखिए इसे हमने पीस लिया है, एकदम बारीक ये हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें कोयले का धुगार लगाएंगे, हमने कटोरी इसके अंदर रख दी है, कोयला दहका दिया है, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको कोयले को इसके अंदर रख के और हम धुगार लगा देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हम इसे ढक के रखेंगे। देखिए इसमें धुगार लग गया है, अब हम इसमें कोथमीर डाल देंगे और 1 अंडा फेंट के हम एक अलग कटोरी में निकालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे, फेट के इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करके और फिर हम इसके जैसे कि टिकिया बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, उस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए इतने पतले पतले या जो साइज आपको पसंद है उस साइज का बना सकते हैं। और देखिए मैंने चूल्हा चालू कर दी हूँ, तवा रख दी हूँ, तवे पे तेल डाल दी हूँ, तेल हमारा गर्म हो चुका है और मैंने स्लो फ्लेम करा है। और ये देखिए मैं एक एक बनाती रहूंगी और डालती रहूंगी, हाथ पे अच्छे से पानी लगाइए और ऐसे उंगलियों से बनाना है आपको, ये देखिए, और पूरा अच्छे से फैला लीजिए, ज्यादा मोटा नहीं रहे, ये देखिए। और इसको इकसार कर देंगे, गोल कर देंगे और फिर हम इसको डाल देंगे, ऐसे ही हमें सब बना के डालने हैं। देखिए इसको हम पलट देते हैं, एक तरफ से हो चुके हैं और हमने स्लो पे रखे थे, अभी हमने फास्ट कर दिया है फ्लेम और सबको पलट देंगे, जो हो गए हैं उसको पलट के और उसको दबा दबा के हमें सेकना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहें, उसी ही सबको पलट के और उसे सेकते हैं फिर आपको बताते हैं। ये देखिए इसे हम साइड में ऐसे कर देंगे, अगर आपको सर्व करना है तो इसी टाइम निकालना है तो आप साइड में नहीं करें, फ्राई करके बराबर निकाल दें, और थोड़ी देर के बाद करना है तो आप साइड में रख दें और इसमें आपको पाव या जिस नान आपको फ्राई करना है तो साइड में आप पाव या नान को फ्राई कर सकते हैं और अच्छे से इसको फ्राई करके दोनों तरफ से हो जाए। देखिए चूल्हा हमारा चालू है और स्लो पे है और हम इसे पाव को अच्छे से गर्म करके सेक के ये देखिए फ्राई बहुत अच्छा से करना है, क्रिस्पी हो जाए थोड़ा और फिर हम पाव के साथ, कबाब के साथ पाव को सर्व करके आपको बताते हैं।
देखिए पाव हमने अच्छे से सेक लिया है, चूल्हे को बंद कर देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के प्लेटिंग करके आपको बताते हैं। देखिए तवा कबाब हमारे रेडी हैं, आप सलाद के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरे आइडिया और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए, कमेंट्स भेजना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।